आज सुल्तानपुर में आजाद समाज पार्टी कार्यकारिणी के बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के पार्टी के मुख्य प्रभारी लखनऊ गोरखपुर जॉन डॉक्टर अकीब मौजूद रहे, जिनके साथ आजाद समाज पार्टी के अयोध्या मंडल प्रभारी राहुल भारती, युव मंडल सह प्रभारी अकरम हुसैन खान भी मौजूद रहे। बैठक में भीम आर्मी के प्रमुख कार्यकर्ता युव पद अधिकारी भी सम्मानित हुए। बैठक में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख सदस्य तौफी हुसैन, गुल शेर इमरान, मिस्टर आजीम खान, मिराज विजय कुमार आदि मौजूद रहे। दानिश क्राइम सुल्तानपुर। आकलन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, कौन किस पद के लायक है, कैसे पद दिया जाए। एक तरीके से आप समझ लीजिए जिला कमेटी का निर्माण होगा भविष्य का। कुछ चेहरे बीमारी में से होंगे, कुछ चेहरे भारतीय भी होंगे, कुछ चेहरे अपने हैं जो कभी मिले। प्रकार का आप लोगों ने सम्मेलन किया है? ये महासम्मेलन नहीं, एक ये समीक्षा बैठक है, आजाद समाज पार्टी की समीक्षा बैठक है। इस बैठक में क्षेत्र से सब विधानसभाओं से लोगों से मुलाकात होगी। किस लेवल पे चलेंगे कि यूपी से बाहर भी चलेंगे? ये पूरी एक आजाद समाज पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है। अभी फिलहाल हम लोग रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दर्जा मान्यता है तो अलग चीज़ है, जनता कितना प्यार करती है वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या है, हम लोग ये पूरे देश में और देश के हर राज्य में और हर राज्य के हर जिले में टीम बनाएंगे बूथ स्तर तक। इस देश में बहुजन राज स्थापित करना, जो हमारे ड्राइवर हमारे साहब मानवर काशीराम साहब का जो सपना था कि 85% का एक बहुजन राज स्थापित करना है इस देश में, उसको हम लोग कटिबद्ध हैं और संकल्प लेते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन वो हम राज स्थापित लाकर रहेंगे। मीटिंग है बैठक के लिए, चाहे मीटिंग के लिए, और ये लोगों में जो यहाँ पे आगामी चुनाव में एकदम मजबूती के साथ एक लोकतांत्रिक में एक नया विकल्प देंगे। भीम आर्मी को जिला सुल्तानपुर में आप किस नजरिए देखते हैं? जो कोई भी अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, हम और हमारी टीम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मोहम्मद आजिम खान बाघ। राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में आप भीम आर्मी को किस स्तर तक ले जाएंगे जिले में? भैया, जैसे आज के दौर में तानाशाही जी जो सरकार है और दलित और पिछड़ों और खिलाफ जुल्म अन्याय के खिलाफ दलित और पिछड़ों मुस्लिमों के और प्रदेश के मजबूत अगर कोई आवाज़ से आवाज़ उठा रहा है देश और प्रदेश में, तो फिर वो हमारे भीम आर्मी के नेता इसी की समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भैया। इसलिए उनके विचारधारा को देखते हुए हमारी पूरी टीम उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रहेगी।